दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बजाज फिनसर्व की तरफ से पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हो। इस समय अगर मैं बात करूं, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आसानी से क्यों कह रहा हूं, पहले आपको वो समझाना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड आता था, जो कि EMI कार्ड सब लोग लेना चाहते थे, काफी लोग ले भी चुके थे, इवन मेरे पास पहले से खुद भी पड़ा हुआ है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ कि RBI ने यहाँ पे बजाज फिनसर्व EMI कार्ड को बैन कर दिया है। फिलहाल क्या है कि बजाज फिनसर्व को मार्केट में बने रहने के लिए और यहाँ तक कि कस्टमर को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इनके पास एक ऑप्शन बच जाता है लोन का। इसलिए यहाँ पे लोन अभी अगर अप्लाई करते हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक से रहती है, तो आपको लोन यहाँ पे काफी आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है। इवन आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं किस तरीके से आप यहां पे लोन लेकर के अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप सैंपल्स पे क्लिक करके यहां एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आ जाएंगे। यहां आने के बाद होम पेज पे आपको एक लोन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, सैंपल पे क्लिक करेंगे। यहां आने के बाद आपको कई तरह के लोन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हमें यहां पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो सैंपल्स हम यहां पे पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। यहां पर देखेंगे दोस्तों आपको 40 लाख रुपए का लोन दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि कम से कम आप 20,000 रुपए का लोन ले सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो आप यहां पे 40 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। हालांकि डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, आपकी एलिजिबिलिटी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे लोन दिया जाएगा। हमें यहां पे कितना लोन मिलेगा चलिए हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसा कि अगर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में आएंगे तो यहां पर आपको EMI कैलकुलेटर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आप कितना लोन लेना चाहते हो, कितने समय के लिए लेना चाहते हो, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि EMI वगैरह क्या आएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना है कि आपको लोन की अमाउंट कितने अमाउंट की जरूरत है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेलेक्ट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान चलिए कम से कम 14-15% तो आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। इसके बाद देखेंगे आपको समय मतलब टेन्योर सेलेक्ट करना है, कितने समय तक के लिए आप लोन लेना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि आपकी EMI कितनी आएगी, टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा। इस तरीके से आप एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करके जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ चार्जेस वगैरह के बारे में। जैसे नीचे की साइड में आएंगे यहाँ बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भाई आप इस जो लोन को लेने वाले हो, ये हालांकि लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाएगा कितने समय तक के लिए ले सकते हो। फिर भी अगर मिनिमम की बात करें तो आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम की बात करें तो आपको 96 महीने तक का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। इसके साथ अगर नीचे की तरफ आएंगे आपको मिल जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पर सारा कुछ जैसे फिलअप करेंगे तो 5 मिनट में आपको पता चल जाता है कि आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होता है या नहीं होता है। अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होता है तो अगले 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपका ये पैसा आ जाएगा। और यहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। नीचे की तरफ आएंगे ब्लू क्लियरली मेंशन किया गया नो गारंटेड और नो कोलैटरल, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई आपको कोई भी गारंटेड देने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई सामान यहाँ पे गिरवी रखने की जरूरत है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे आने के बाद सारी जानकारी ले लेंगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि लोन को अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें और रह गई हैं जिसको जानना जरूरी है कि भाई इस लोन को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आपकी एज यहाँ पे 21 से लेकर 80 है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप यहाँ पे सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हो प्राइवेट सेक्टर में या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको सिविल स्कोर के बारे में बात करें 685 या उससे प्लस है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यहाँ पर आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो इनकम कम से कम नहीं तो 25,000 रुपए महीने की तो होनी चाहिए। जितनी ज्यादा इनकम रहेगी उतना ज्यादा लोन मिलने के चांसेस भी रहेंगे और उतना ज्यादा अमाउंट का भी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो कौन कौन से आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं और प्रोसेसिंग फीस वगैरह, मतलब हर एक चीज के बारे में बारीकी जानकारी दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने सारा कुछ देख लिया तो हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहां पे एंटर कर देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालकर यहां पे एंटर कर देंगे। यहां आने के बाद सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। इसके बाद देखेंगे आपका अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना जो भी पैन कार्ड में दिया गया है और अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पे आपकी सिटी दिखाई जाए, अपने सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे प्रोफेशनल डिटेल फिलअप करनी है, कहने मतलब अगर आप एक सैलरी पर्सन तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे या अगर आपको कोई बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयर है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर आपने यहां पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होती है जो आपको रिसीव होती है आप उसको यहां पे एंटर कर देंगे। और टोटल मंथली EMI, मतलब हो सकता है कि आपके पहले से कोई अगर EMI एग्जिस्टिंग चल रही हो, कोई लोन चल रहा हो तो आप उसको यहां पे एंटर कर देंगे। अगर कोई लोन नहीं चल रहा आप उसको यहां पे जीरो कर देंगे। इसके बाद अपने कंपनी का नाम डाल देंगे और यहां पे आपके अपने ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना। हालांकि ऑफिशियल अगर आप नहीं एंटर करें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पे नहीं है। और वही बात करते हैं अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है और आपकी जो एनुअल इनकम होगी आप उसको यहां पे एंटर करेंगे। एनुअल इनकम कम से कम नहीं तो आपको यहां पे 4 से 5 लाख रुपए तो एंटर करनी पड़ेगी। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहां पे चेक ऑफर का ऑप्शन मिल जाएगा, सैंपल पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पे देखेंगे हमारे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग हमें यहां पे लिमिट दिखा दी गई जिसमें कि 6 लाख रुपए की लिमिट हमें प्रोवाइड करवाई गई है। अब हम चाहते यहां से 6 लाख रुपए भी ले सकते हैं अगर हमें जरूरत लगती है। अगर हमें सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, हम यहां से 1-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आराम से ले सकते हैं।
यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ले सकते हैं, मिनिमम 1,00,000 रुपये तो लेना ही पड़ेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ से 1,00,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे सैंपल सा 1,00,000 रुपये यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे जब आप लोन को लेने वाले हो, इसके लिए आपको यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का मतलब ये हो गया कि अगर आप जो भी लोन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 6,00,000 रुपये लोन हम एलिजिबल होते हैं, हम यहाँ से 1,00,000 रुपये लेते हैं, तो 1,00,000 रुपये हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, बाकी का जो भी अमाउंट बचा हुआ उसको हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि पूरा पूरा पैसा उनको वापस भी कर सकते हैं, दोबारा से लेना चाहें दोबारा से ले सकते हैं। एक तरह से ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट जैसा काम करने लग जाएगा, आप लेंगे वापस कर देंगे, लेंगे वापस कर देंगे, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। इसके अलावा जो भी आपका अमाउंट बचा रह जाता है उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा नंबर है फ्लेक्सी टर्म लोन, ये भी आपका हाइब्रिड लोन की तरह ही है, इन दोनों में डिफरेंस बस इसी बात का है कि देखेंगे यहाँ पे आपको टाइम मतलब कम हो जाता है, यानी कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम 96 महीने का टाइम मिल रहा था यहाँ पे हाइब्रिड वाले में, इसमें आपको सिर्फ 72 महीने तक का मैक्सिमम टाइम मिल सकता है। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और ईएमआई का दोनों का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका टर्म लोन भी है, टर्म लोन में आपको एक फायदा ये मिल जाएगा कि इंटरेस्ट तो कम मिलेगा लेकिन ट्यून टाइम कम से कम मिलेगा, यानी 72 महीने ही मिलेगा। ओवरऑल आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है, इसमें होगा आपके लिए बेटर सबसे ज्यादा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसमें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी ईएमआई को सेलेक्ट कर लिया, नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करनी है। इसके लिए सिंपल से आपको यहाँ पर डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको मेन पेज पे दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर नीचे आपको आकर सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी वो बैंक डिटेल डालनी है जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप रिसीव करना चाहते हो, जिसमें कि सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा, FSC कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद सैंपल्स आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कई सारे बैंक दिखा दिए जाएंगे, सैंपल्स आपको यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जाता है भाई एग्रीगेटर, सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना किसके माध्यम से करना चाहते हो। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर सिंपल से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पे जो भी बैंक सेलेक्ट कर रखा, जैसे हमने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर रखा है, तो अभी हम यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, उस OTP को सिंपल से हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही ले लिया जाएगा, इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे KYC भी कंप्लीट हो चुकी है, बैंक अकाउंट की डिटेल भी अपडेट हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारी इनकम भी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो कि स्टेटमेंट के माध्यम से हो गई, जो हमने बैंक अकाउंट दे रखा था। इसके बाद आ जाता है वेरीफाई योर ईमेल आईडी, सिंपल हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आपको जो साइड में लाइनें दिख जाती हैं इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर चेक प्री अप्रूव्ड ऑफर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पर लोन वाला सेक्शन दिखाया जाता है तो ठीक है, नहीं दिखाया जाता कोई दिक्कत नहीं, आप होम पेज दोबारा आ जाएंगे, साइड में आपको कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सिंपल सा कार्ड वाले पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका लोन दिखा दिया जाएगा, उस पे आप सिंपल सा रिज्यूम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल आईडी वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना है, यानी कि जो आपकी अपनी पर्सनल ऑफिशियल मतलब आपकी अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ना कि किसी ऑफिस की ईमेल आईडी डालनी है। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे सिंपल सा आपको एंटर कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी, इस तरीके से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद ये एप्लीकेशन बजाज फिनसर्व के एजेंट के पास जाएगा, इसके बाद वो इसको वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ये आपका अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो आपके अकाउंट में 48 घंटे के अंदर अंदर पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दोस्तों इस तरीके से आप बजाज फिनसर्व की तरफ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको लोन की जरूरत लगती है तो आप इस तरीके से बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दिया है, जाकर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।